वेलकम ब्यू वीडियो का आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एच एन एम हॉल वीडियो एंड ये कोई नॉर्मल हॉल वीडियो नहीं है इसके अंदर हॉल के साथ साथ स्टाइलिंग भी होने वाली है एंड ऐसे पीसेस मैंने पिक किए हैं जिससे आप अपना वॉड्रोब बिल्ड कर सकते हैं समर का इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि आप यू नो वेस्टर्न वेयर के लिए बहुत ही कम वीडियोज़ लेके आते हैं उनके लिए भी जल्दी से कलेक्शन दिखाइए सो ये एक वीडियो है बट इसके अंदर आपको हर तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे हर तरह की वेराइटी मिल जाएगी एंड स्पेशली आपको बॉटम वेयर के तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन मिलने वाले हैं मैंने इसके अंदर ट्राउजर्स जीन्स एंड उसके अलावा क्या है कार्गो भी इंक्लूड की है जिन्होंने कम बैक कर लिया है कार्गो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है एंड समर में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी एंड आई थिंक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आज जितने भी मैं चीजें स्टाइल करूंगी वो एच एन एम से है एंड मैंने ना जो सेल वाला सेक्शन है ना उसके अंदर से सारी चीजें पिक की हैं इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेकआउट कर लेना अब चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो नाउ अच्छा मैं पहले आपको एक चीज जरूर से बताऊंगी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी एच एन एम से अगर आप ऑर्डर करते हैं ना तो आपको जितनी भी चीजें ऑर्डर करेंगे एक पैकेट के अंदर ना एक बार में रिसीव हो जाएगी एंड बेस्ट रिटर्न भी नहीं होने वाला। है। so है ना, हम ऑफिस वेयर से स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारी लुक मुझे लगी पहले मैं आपको बता देती हूँ अब उसे मैंने कैसे क्रिएट किया है उसको मैं ब्रेक डाउन करके आपको बताती दी हूं। सबसे पहले जो मैंने ट्राउजर ली है वो है इलास्टिक वेस्ट क्योंकि यहाँ पर ये इलास्टिक लगा हुआ है अंदर वैसे तो पूरा ये फिनिश लुक आपको मिलेगा बाहर की तरफ बट अंदर की तरफ इलास्टिक होने के कारण ना वो जो कई बार होता है ना थोड़ा सा ढीला रह जाता है वेस्ट से वो बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा देन ये है रेगुलर वेस्ट एंकल लेंथ ट्राउज़र 38 साइज के अंदर मैंने लिया और बहुत ही बढ़िया फिट है एंड साथ में ना सुपर कंफर्टेबल है बिकॉज इसके अंदर स्ट्रेच भी है वहाँ पर दो पॉकेट हैं पीछे से भी पॉकेट का इल्यूजन है बट पॉकेट्स नहीं हैं एंड आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर के अंदर है ये इसके अंदर कलर ऑप्शंस आपको और भी मिल जाएंगे सो so ये मैंने ली है बॉटम इसके ऊपर क्योंकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा नीचे लाइट है तो हल्का सा डार्क ले लो सो so मैंने ये लाइट ग्रीन कलर का सेटन फिनिश का एक टॉप लिया है जिसे टक करके पहना है इसके साथ पोल की ज्वेलरी मैंने एक्सरसाइज कर ली देन मैंने फुटवेयर्स लिए हैं थोड़े ऑफ वाइट वाइट कलर के अंदर ही ये प्रीवियसली मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ वीडियोज़ में एंड ये वीडियो की रेफरेंस लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में दे दूंगी आप चेकआउट कर लेना अब इसी के अंदर मैंने क्या किया है इसे मतलब टॉप की जगह मैंने इस शर्ट के साथ इसकी सेकंड लुक क्रिएट की और ये सेटिन शर्ट है बहुत ही सुंदर कलर में सैमन कलर के अंदर मैंने पिक की है इसके अंदर ऑब्वियसली आपको कलर ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे जो भी अच्छा लगे एंड सेटन आपको ना लक्स लुक देता है बहुत ही रिच लुक ऐड हो जाता है एंड पूरी लेंथ वेंथ इसकी बढ़िया है मैंने इसे टक नहीं किया क्योंकि इसी तरह से इसकी बहुत ही अच्छी फॉर्मल लुक आ रही है बहुत ही अच्छा ग्रेसफुल लगा मुझे ये वाला लुक भी सो so, आप देख सकते हैं इसके अंदर फुल स्लीव्स हैं एंड जो फैब्रिक है ना वो बिल्कुल भी, भी, भी सीथ्रू नहीं है एंड पहनने में सुपर सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है आप इसे ऑफिस में कैरी कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा और साथ में गर्मियों में भी मतलब इसका टेक्स्चर ऐसा है कि आपको बहुत ही यू you नो know, ब्रीदेबल लगेगा कम्फर्टेबल लगेगा इसके अंदर मैंने साइज़ लिया है स्मॉल एंड आप देख सकते हैं लूज़ फिट में इसमें जो चीज़ मुझे अच्छी लगी ना वो ये है कि यहाँ पर जो फ्रंट में मतलब कॉलर के बाद जो नेक है ना वो वी शेप के अंदर है जिसके कारण बहुत ही अच्छी सी फैमिनिन लुक इसके अंदर ऐड हो रही है सो so, आप देख सकते हैं ये लुक भी कितना प्यारा लग रहा है इसके साथ मैंने यू uh, नो you know, थोड़ी सी हाई हील डाली है न्यूड पम्प्स के साथ इसे स्टाइल किया बिल्कुल सिंपल एंड बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल लग रहा है कैजुअल लुक्स में भी ये बहुत आसानी से फिट हो जाएंगी चाहे ट्राउजर की बात करूँ चाहे शर्ट की बात करूं एंड इस वीडियो में ना आपको जीन्स के भी काफी अच्छे ऑप्शन मिलेंगे मैंने डिफरेंट फिट्स एंड स्टाइल्स में लिए हैं और, है। और सबकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई सबका लुक बहुत ही अच्छा आया सो डेफिनेटली आप अपनी जीन्स की कलेक्शन भी बिल्ड कर सकते हैं आज की वीडियो को देख के इवन मैं आपको बोलूंगी कि मेरी जो प्रीवियस वाली एच एन एम वीडियोज मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको भी आप रेफर कर लेना वहां पर भी बहुत ही सुंदर-सुंदर लुक्स मैंने शेयर की थी तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी अब मैं सेकंड या फिर थर्ड लुक के ऊपर बढती हूँ जिसके अंदर जो मैंने जींस स्टाइल की है ना ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है एंड बहुत ही अदर कंफर्टेबल है समर के अंदर तो ये मस्ट हैव है ऊपर से बिल्कुल फिटेड है हाई वेस्ट है एंड नीचे जाके ये फ्लेयर में हो जाती है मतलब होता क्या है ना कि जब फ्लेयर पैंट लेते हैं ना ऊपर से लेके नीचे तक अगर वो खुली खुली होना तो बिल्कुल भी लुक अच्छा नहीं आता बट अगर इसके केस में आप देखेंगे ना तो आपकी वेस्ट बिल्कुल डिफाइन होती है और वेस्ट के अंदर अगर थोड़ा सा भी फैट वगैरह है तो वो भी बिल्कुल सिंच हो जाता है और बहुत ही स्लिमिंग इफेक्ट मिलता है एंड देन जैसे ही आपकी थाई शुरू होती है ना उससे पहले ही थोड़ा सा फ्लेयर स्टार्ट हो जाता है लेंथ भी इसकी परफेक्ट है इसके अंदर सेम साइज़ मैंने लिया है थर्टी अच्छा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ एच एन एम में जो थर्टी एट है वो आपको नॉर्मली जो आपकी ट्वेंटी एट वेस्ट साइज़ होती है ना उसके अकॉर्डिंग होता है आप इनका साइड शार्ट रेफर कर लेना वहाँ पर कन्वर्जन आपको मिल जाएगी कि ट्वेंटी एट है तो थर्टी एट होगा देन अगर आपका थर्टी साइज़ है तो आपको कौन सा लेना चाहिए इन एच एन एम के साथ मैंने ना थोड़ा मोनोक्रोमेटिक लुक ही क्रिएट करने की कोशिश की है सेम फैमिली के कलर्स यूज़ किए हैं सो यहाँ पर मैंने इसे बेज कलर बोलेंगे इसके साथ पेयर किया है टॉप ये बहुत ही सुंदर है गाइस एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है इवन इसका एम आर है तो आप देख सकते हैं अगर सेल की सेक्शन में हुआ तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं भी हुआ तो ऑलरेडी ये बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहा है एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल है जीन्स के साथ आप इसे पेयर कर लीजिए अदरवाइज आपकी जो स्कर्ट्स हैं पेंसिल स्कर्ट हैं किसी के साथ भी जो प्लीटेड स्कर्ट है मेरे पास एक किसी कलर के अंदर प्लीटेड स्कर्ट है उसके साथ भी मैं मोनोक्रोमेटिक लुक इसका क्रिएट कर सकती हूँ बहुत ही अच्छा लगेगा यहां पर आप देखेंगे ना तो अंदर की तरफ एक थोड़ा फैब्रिक भी दिया हुआ है नेक से जो अंदर की तरफ इस तरह से एक्सटेंडेड है सो डबल लेयर हो जाता है आपका अपर बॉडी पार्ट पे एंड देन लेंथ भी इसकी बहुत ही परफेक्ट है इसके अंदर हल्का सा रिब्ड इफेक्ट है और स्ट्रेचेबल फैब्रिक है इसके अंदर मैंने लिया है साइज मीडियम एंड थोड़ा सा मैं स्टाइलिंग के बारे में बताना चाहूंगी जहां पर पैंट्स वगैरह थोड़ी सी लूज होती है ना वहां पर हमें अपर बॉडी पार्ट पे जो यूज कर रहे हैं टॉप वगैरह शर्ट थोड़ी सी फिटेड लेनी चाहिए तो इसी हिसाब से मैंने इसके अंदर फिटेड रखे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्रॉप रखें आप उसे टक कर लीजिए बट थोड़ा सा फिटेड रखेंगे और उसे टक करके पहनेंगे तो एक स्लिमिंग इफेक्ट भी आएगा टॉल लुक भी आएगा और थोड़ा सा कोहेसिव यू you नो know, प्रोपोर्शनेट लगेगी आपकी बॉडी सो ये छोटा सा मैंने स्टाइलिंग टिप भी आपको दे दिया जो आई थिंक आपको ऑलरेडी पता भी होगा इसके बाद मैं आपके साथ जीन्स और भी शेयर करूंगी बट उसके बीच में एक मैं कार्गो वाली लुक शेयर कर देती हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड इस कार्गो को पहनने के बाद एकदम से मुझे कॉलेज डेज की याद आ गई क्योंकि बी फार्मेसी और एम फार्मेसी में ना मैं बहुत ज़्यादा कार्गोज़ पहनती थी उस टाइम भी बहुत ट्रेंड में थी एंड उस टाइम आई थिंक लिवाइस वगैरह पे ही ज़्यादा मिलती थी एच एन एम तो उस टाइम पे हमें पता भी नहीं होता था सो so, यहाँ पर जो मैंने कार्गो पहने गाइस ये तो समर अप्रोप्रिएट है इतना सॉफ्ट फैब्रिक है एंड बिल्कुल फ्लोई है मतलब बिल्कुल पहन के ऐसे नहीं लग रहा था कि मैंने कुछ यू you नो know, पहना भी हुआ है सो so, बिल्कुल जो पजामे वाला है ना आपको फ़ील मिलेगा और साथ में स्मार्ट एंड स्टाइलिश बहुत ज़्यादा लग रहा था सो so, कलर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको मुझे इस तरह का कलर थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा एंड ये मिड वेस्ट है बहुत ज़्यादा हाई वेस्ट भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा लो वेस्ट भी नहीं है हाउ एवर अभी लो वेस्ट ने भी कम बैक कर लिया है सो so, यहाँ पर ये मैं आपको इसकी साइज़ वग़ैरह बता देती हूँ अगेन थर्टी साइज़ में लिया है बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल पीस है आप देख सकते हैं इसके अंदर ये इलास्टिक है फ्रंट में थोड़ा सा आपको ये विदाउट uh, इलास्टिक मिलेगा इसके अंदर बटन्स वगैरह हैं पॉकेट्स और काफ़ी सारी होती है कार्गोज में सो सिक्स पॉकेट्स नहीं फाइव पॉकेट्स इसके अंदर हैं एंड फिटिंग एंड स्टाइल और लेंथ वेंथ सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एंड फैब्रिक सी थ्रू नहीं है बट सेम टाइम ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कम्फर्टेबल एंड समर अप्रोप्रिएट है इसके साथ मैंने क्या किया ना मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लूज़ है ना नीचे अगर बॉटम तो ऊपर थोड़ा सा टाइट कर दो एंड एक्चुअली मैंने ना अभी दो दिन पहले ही सुहाना खान को एयरपोर्ट लुक पे देखा था सुहाना खान का एयरपोर्ट लुक देखा था जिसके अंदर उसने ना जो मैंने लुक क्रिएट किया ना वो उसी से इंस्पायर्ड है मेरे पास ऐसा क्रॉप टॉप था उसके साथ मैंने इस कार्गो को पैर कर लिया साथ में अपने स्नीकर्स डाल लिए आई नो दोबारा से वेट के बारे में बात नहीं करूँगी बट ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं कितनी ही स्मार्ट एंड स्टाइलिश लग रही है सेम टाइम कम्फर्टेबल है एंड क्रॉप टॉप अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और लंबा ले सकते हैं बट मुझे लगा कि ठीक है इतना सो so, यस yes, मुझे तो अच्छी लगी लुक आपको कैसी लगी जरूर से मुझे बताना बट ऑब्वियसली आप क्रॉप टॉप की जगह एक थोड़ी सी फिटेड जो टी शर्ट आती है ब्लैक कलर पे या व्हाइट कलर दोनों ही कलर्स इस पर बहुत लगेंगे। अच्छे लगेंगे इवन बेज कलर भी अच्छा लगेगा उसे टक करके आप इसके साथ पहन सकते हैं ना वो जो नेक्स्ट लुक है ना वो स्पेशली मुझे बहुत ही अच्छी लगी एंड ये जीन्स से मैंने क्रिएट की है एंड ये लुक मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी मुझे आजकल ना मोनोक्रोमेटिक लुक या फिर बेज कलर की एंड न्यूट्रल टोन्स में जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा शीक एंड स्टाइलिश लगती हैं आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके अंदर सबसे पहले जो टॉप मैंने पहना हुआ है ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस एच वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ इस टॉप को मैंने अपनी साड़ी के साथ भी रिसेंटली एज ए ब्लाउज पहना था बहुत सारी क्वेरीज आई थी तो आप मेरी प्रीवियस एच वीडियो को देखना उसके अंदर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी मैं कोशिश करूँगी इसके अंदर भी डालने की बट एक बार को आप वो भी देख लो आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी नाव जो जीन्स है गाइस इसका जो कलर है वो बहुत ही अनयूजल है मेरे पास ऐसा कोई कलेक्शन भी नहीं था एंड इसकी फिटिंग इतनी ज़्यादा प्यारी आई है ना बहुत ही स्मार्ट पीस है लेंथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड बॉडी को इतना बढ़िया शेप इसके अंदर मिल गया ना यहाँ पर साइज़ मैं आपको बता रही हूँ सभी के अंदर मैंने थर्टी एट लिया और मुझे सभी में बहुत ही अच्छा फिट मिल रहा है हाई वेस्ट है बॉडी को यू नो अपर बॉडी पार्ट को अच्छे से सिंच करते हुए नीचे से लूज हो जाएगी लेंथ बहुत ही बढ़िया है बहुत ही अच्छा इसके अंदर ना बॉडी को शेप मिल रहा है मैं आई थिंक दोबारा बोल रही हूँ बट ये पहनने के बाद बहुत ही ग्रेसफुल लग रही थी एंड कलर तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा है एंड इस तरह से मोनोक्रोमेटिक लुक मैंने क्रिएट की है फुटवेयर्स के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं आप इसे ड्रेसअप कर सकते हैं विद हील एंड ड्रेस डाउन कर सकते हैं विद स्नीकर्स अब आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक ऐसा पीस जो मस्ट हैव है ऐसी जीन्स जो आपके कलेक्शन में होनी ही चाहिए ये जो डेनिम का कलर है ये मेरा फेवरेट है और इसका जो स्टाइल है ना स्टिचिंग स्टाइल है वो क्लासिक है ये एवरग्रीन है हमेशा चलने वाला है इसका स्टाइल मैं आपको बताती हूँ क्या है ये है विंटेज स्ट्रेट हाई हाई वेस्ट वेस्ट डेनिम सो यस एक तो है और साथ में ये स्ट्रेट फिट में है और लेंथ भी इसकी बढ़िया है क्रॉप नहीं है ये आपको हाई हाइट का इल्यूजन भी देगी एंड ये भी स्ट्रेचेबल फैब्रिक में है पॉकेट्स वगैरह की जो पोजीशनिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है पीछे से अगर आप देखोगे ना तो आपकी जीन्स के अंदर इस तरह से ये जो स्टिचिंग पैटर्न है ना स्ट्रेट नहीं होना चाहिए इस तरह से वी बना होगा ना तो बैक से भी बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है पॉकेट की साइज़ भी आप ज़रूर से देखिए कीजिए बहुत दूर दूर नहीं होना चाहिए एंड बड़े ही होनी चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा छोटी होंगी तो फिर आपका बैक साइज़ ना बड़ा लगता है इसके अंदर बिल्कुल प्रोपोर्शनेट लगेगा एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा थिक है सो तो आपके जो फैट है फ्लैब्स हैं एक्स्ट्रा कहीं भी सैल्युलड है उसको ना सेंच करके बहुत ही अच्छा स्लिमिंग इफेक्ट देगा और बहुत ही अच्छी शेप निकल के आएगी और ये जो पूरी लुक क्रिएट है ना ये मेरी मतलब गो टू लुक हुआ करती थी जब मैं ऑफिस जाती थी फ्राइडेज़ में अगर आप कभी मुझे मिलते तो हमेशा इसी लुक में पाते मतलब हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है या तो मैं वाइट शर्ट डालती थी या वाइट टॉप डालती थी एंड इसके नीचे इस तरह से ब्लू जीन्स मेरे फेवरेट होती थी विद मैं शूज़ वगैरह डालती थी एंड डेफिनेटली अगर आपको ड्रेसअप लुक देना है तो आप उसके अंदर ये हील्स वगैरह भी डाल सकते हैं सो so, ये हो गया इसके बाद ना सेम इसी स्टिचिंग स्टाइल के अंदर सेम ही जो विंटेज हाई वेस्ट पैंट है जीन्स है इसी के अंदर ही मैंने ये ऑफ वाइट कलर की है ये एक्चुअली इसके अंदर वाइट uh, से थोड़ा सा येलो टेंट भी है इसके अंदर सो ऑफ वाइट कलर के अंदर ये पैंट ली है सो so, जीन्स uh, ली है सो so, डेफिनेटली ये भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं एंड इसके साथ एक्चुअली ना मैंने एक टॉप पेयर किया है कहाँ गया वो ये रहा ये स्ट्राइप वाला है मुझे लगा व्हाइट के साथ ये व्हाइट मैच करके और ब्लैक अच्छा लगेगा एंड एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे एच एन एम पे देखा एंड बहुत ही यू you नो know, अच्छा कॉटन फैब्रिक है घर में पहनने के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ये रहेगा सो so, इसके अंदर मैंने मीडियम साइज लिया डेफिनेटली आप इसे पिक कर सकते हैं इसके साथ भी स्टाइल कर सकते हैं बट ये घर पे पहनने के पर्पज से लिया है। मैंने इसके साथ एक बार स्टाइल करके दिखा दिया इसके साथ कोई भी आप अपना शर्ट या टॉप थोड़ा सा डार्क कलर का जो मैंने फर्स्ट लुक क्रिएट की थी ना उसके अकॉर्डिंग आप इसके साथ पेयर कर सकते हैं नाउ जो लास्ट पीस है ये बहुत ही ज़्यादा यू नो ट्रेंडी शीक एंड व्हाट टू से मतलब बहुत ही ज़्यादा इन है ये लुक अगर आप देखेंगे ना सेलिब्रिटीज़ को सो so इस तरह की कार्गोस पहने हुए बहुत मिल जाएंगे आपको इसके ऊपर भी या तो आप क्रॉप टॉप डाल सकते हैं या फिर फिटेड कोई भी टी शर्ट वगैरह आप उसे टक इन कर लेना उसके बाद आप इसे कैरी कीजिए वेस्ट पे बिल्कुल सिंच हो जाएगा तो वहाँ पर नैरोइंग इफ़ेक्ट आएगा उसके बाद ये थोड़ा सा फ्लफी होता है तो वो आवर ग्लास शेप है ना बिल्कुल परफेक्ट वैसे निकल के आती है एंड बहुत ही ज़्यादा शीक एंड स्टाइलिश लगती है साथ में सुपर कंफर्टेबल है यहाँ पर इस तरह से प्लीट दी गई है नीचे भी इलास्टिक है जिससे आप इसे स्विंच करके यू नो जॉगर्स वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं खुला भी छोड़ सकते हैं सो so, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश अगर आपको कलेक्शन में ना थोड़े से स्टाइलिश एलिमेंट ऐड करने हैं बॉटम्स में तो डेफिनेटली डिफरेंट स्टाइल ऑफ़ बॉटम पिक करना ना ऐसा ना हो कि ट्राउजर्स ही ले लो या जीस ही ले लो कुछ कार्गोज भी इसके अंदर ऐड करो और कार्गोज में भी ना ऐसे बिल्कुल ही डिफरेंट एंड स्टाइलिश थोड़ा सा लगना चाहिए ना लाइक आपको एयरपोर्ट लुक क्रिएट है या फिर कैजुअली कहीं पर भी आपको बाहर जाना है ना तो डेफिनेटली गर्मियों में इस तरह के ऑप्शंस बहुत ही बढ़िया रहेंगे सो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफी आइडिया लग गया है कि समर में किस तरह के बॉटम्स और किस तरह की चीजें ट्रेंड में हैं इस बार सो so येस yes, कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर से मुझे बताना और इनमें से कोई भी लुक आप रिक्रिएट करना चाहते हैं ट्राई करना चाहते हैं इनफैक्ट अपने तरीके से स्टाइल करना चाहते हैं सो so डेफिनेटली आप इन्हें बाय कर सकते हैं एच एन एम से इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेकआउट कर लेना इसी के साथ आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन टेल दिन टेक केयर बाय बाय